जफर समझ के एक वो जफर ही है, कबीर मान नहीं रहा है लेकिन मेरी बात मैं मान लेता, मगर मसला ये है कि जफर हाशिम मियां के साथ हमारे साथ मीटिंग में था जब हमारा फोन आया और उसने कहा कि हम जफर का पीछा कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, जफर तो हमारे सामने। कभी ज्यादा सही बोल रहा हो सकता है क्योंकि मैं बुरखे वाले एक आदमी को देख रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि चेहरा किसका है, और आदमियों के हाथ सबके अलग एक से होता हो सकता है कि जैसे अगर मैं अदनान का हाथ देख रही हूँ और अगर मैं किसी और को देखूँ तो हो सकता है कुछ कुछ सेम हो, तो गलतफहमी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि वो जफर ही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन कबीर आके जब मुझे यहाँ रोकता है, क्योंकि फ़ोन पे मुझे आवाज़ नहीं आई, जब यहाँ रोकता है तब मुझे लगता है कि अच्छा मैं गलत इंसान का पीछा कर रही थी। लेकिन ये तो रिवील हुआ है कि वो मिराज है, हम लोग को नहीं पता। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। She'll give these pointers when you don't say it. मैं सब दो तीन दिन से सुन रहा हूँ तुझे। हाँ नहीं, हम लोग को नहीं पता। मुझे तो सच में नहीं पता है कि क्या है। मुझे भी नहीं पता, पता नहीं कौन है, क्योंकि माफ़ करना मैं बोलूँगा नहीं आपको कौन है, मगर हम लोग को ये पता लगता है कि हाशिमी और जफर नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो मेरे सामने मीटिंग में थे जब इसने पीछा। हाँ तो हो सकता है कोई ऐसा दुश्मन हो जो हम दोनों से नफरत करता हूँ। यार अब्बा के दुश्मन इतने आए गए, सब आधे से ज़्यादा इसके दुश्मन, मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मेरी वजह से कबीर के दुश्मन बन गए हैं। इतने शरीफ हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आती ही जा रही है, जितना सुलझाने की ट्राई कर रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ से उलझ ही जा रहा है, कैसे सुलझेगा ये सब जी। कोशिश करेंगे, देखिए ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में मसले तो आते रहते हैं, आपकी भी ज़िंदगी में दुआ करता हूँ ऐसा रोज़ नहीं आए, मगर होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो रोज़ आते हैं। ज़ारा कबीर की ज़िंदगी में कुछ लार्जर देन लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, बकायदा डील कर लेंगे, बिकॉज वी आर सो स्ट्रॉन्ग नो कि हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, आई गेस गॉड ऑल्सो नोज कि ये लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ वो कुछ था ना कि ही गिव्स यू व्हाट ही, खुदा तुमको उतना ही देता है जितना तुम सह सकते हो, तो हम इतना बहुत सह सकती है ये, इसलिए अभी हम लोग दोनों भुगत रहे हैं। तो इसमें से किस तरह से निकलेंगे आप लोग, क्या सोल्यूशन निकलेगा इसका? आपको कोई सोल्यूशन मिले तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। बस यही है कि कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन इसके पीछे है। जैसे देखिए अभी आज इस मुकाम तक पहुंच गए कि ये तो पता लग गया कि हाशिम और जफर नहीं थे, तो ये तो एक कदम आगे, अभी देखेंगे ये इसका भी पता लगा देंगे बहुत जल्द। हम लोग की टीम तो आपने देखी है माशाल्लाह। हमने देखा मिराज एक्चुअली चाकू निकाल रहे थे जारा को। मिराज का है वो वाहियात इंसान का है। मिराज तो कश्मीर में कहीं पर पड़ा हुआ। हाँ नहीं वो आ चुके हैं, अब मैं नहीं मिला उनसे। आपको पता चले तो हाँ आज ही सो स्मार्ट नहीं पता हमें पता है हमने लिया है बस मैं मुझे नहीं दिखा देखो मेरे को तो यश दिख रहा है। She did this to this thing. Sorry, calling me. Sorry. Thank you. Thank you. You did this to yesterday. बुरखे के पीछे यार कुछ राज नहीं है एक्चुअली। मेरा थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गया था और अभी वो वापस आया, लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग चल रही थी जो ये मारना वगैरह था वो सब मिराज की मास्टर प्लान माइंड था, तो अभी वो वापस आया डिस्गाइज उसमें कि आना ज़ारा वॉज एक्सपेक्टिंग कि जाफ़र आएगा, लेकिन जाफ़र की जगह मिराज आ गया और अभी वो एक ऐसी आइसोलेटेड सी जगह पर लाया ज़ारा को जहाँ पर वो ज़ारा को मारेगा आके, तो अभी तो यही प्लान है उसका। अब कबीर आएगा ऊपर से आएगा, ऑफ कोर्स आएगा ही बचाएगा और उसके बाद आगे फिर प्लान करेगा मिराज क्या करना है आगे। आप ऑलरेडी चाकू निकाल कर उनको मारने के लिए रेडी थे, लेकिन हाँ एक्चुअली मैं मारने के लिए रेडी था यार, मैं मतलब बहुत बार हो गया ऐसा, मैं बस यहाँ तक पहुँच जाता हूँ और रह जाता है। थोड़े दिन पहले भी मैंने बंदूक निकाली थी मारने के लिए जब रात को मैं ज़ारा के बर्थडे नाइट पे पहुंचा था, लेकिन मिराज थोड़ा असूलों वाला आदमी है, वो कहता है मैं बता के मारूंगा, तो इतने में कबीर आ गया, तो लेकिन वो लेके चला गया इससे पहले कि मिराज उन्हें मार पाता, तो अभी वो चले गए दोनों, क्योंकि उनको अभी कबीर को शक है कि कोई उसकी जो टीम है वो मिला हुआ है, कोई खबरी है बंदा, तो इसलिए मिराज थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके केयरफुली खेल रहा है। वैसे तो कबीर और ज़ारा को पता नहीं है कि सबके पीछे मास्टर प्लानिंग आपकी है, क्या उन्हें पता चलने वाला है या आप फिर कुछ और नई प्लानिंग करेंगे? नहीं अभी तो कुछ नहीं पता लगेगा, अभी तो सिर्फ ऑडियंस को पता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड मिराज है। अभी कबीर ज़ारा पूरी फैमिली को किसी को भी नहीं पता कि निलोफर को किसने मारा और उसके बाद भी जो खून हुआ वो किसने किया, और इतनी जल्दी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो खेलेंगे, अभी तो खिलाएंगे, तो देखते हैं। वैसे एक पर्सनल सवाल, कैसा लग रहा है आपको ये बुरखा पहन के?
देखो बुरखा पहन के कुछ अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही क्योंकि सब छेड़ रहे हैं मुझे। आई फेल्ट लाइक यार जो लड़कियां एक्चुअली जो लेडीज़ पहनती हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इतना बड़ा है और गर्मी है और आप देख सकते हैं बट एक्चुअली बहुत फिटेड आए तो इट्स लाइक प्रॉपर फिटेड बट लेकिन इट्स अ गुड फीलिंग ऑल्सो बट इट्स वेरी वेरी हैवी टू वेयर लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर। तो वही है बाकी फीलिंग जब लोग छेड़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है आपको और रिपोर्टर से लेके पूरा सेट छेड़ रहा है मुझे तो बस वैसे ही है। थैंक यू सो मच।